न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने जा रहा है 160 की रफ्तार वाला 19 साल का खतरनाक युवा गेंदबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज में पाकिस्तान की ओर से कौन सा धाकड़ खिलाड़ी करने जा रहा है डेब्यू। साथ ही उसकी गेंदबाजी के नाम से ही कांप रही है पूरी न्यूजीलैंड की टीम। बताएंगे उस खतरनाक गेंदबाज का नाम आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अब 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला गुरुवार 27 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम का पलड़ा इस मुकाबले में काफी भारी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से T20 सीरीज में प्रदर्शन किया था वो उसी T20 सीरीज के प्रदर्शन को वनडे में भी दोहराना चाहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पलड़ा ही इस वनडे सीरीज में भारी लग रहा है और कप्तान बाबर आजम की निगाहें भी पहले वनडे मुकाबले से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने की होगी। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम में अब इस वनडे सीरीज के लिए एक ऐसा खतरनाक गेंदबाज शामिल हो गया है जिसने अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों की खूब गिल्लियां बिखेरी है, और ये गेंदबाज लगातार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है। इस खिलाड़ी ने अभी तक पाकिस्तान के लिए T20 में डेब्यू किया है, लेकिन वनडे सीरीज में अब ये पहली बार खेलने जा रहा है, यानी कि इस खिलाड़ी का डेब्यू होने जा रहा है। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के उभरते हुए युवा सितारे एहसानुल्लाह हैं। एहसानुल्लाह ने T20 में तो डेब्यू किया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से वो अभी तक एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वो पहले वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे तो वो डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, और अपने डेब्यू मुकाबले में ही वो न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर इतिहास रचना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।